अर्णब गोस्वामी से अब मुंबई पुलिस पूछताछ कर सकेगी। अर्णब गोस्वामी का बयान जो है अब मुंबई पुलिस दर्ज कर पाएगी। क्या है पूरी खबर, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो पे आपको बताऊंगी। दरअसल आपको याद होगा, अर्णब गोस्वामी को मुंबई पुलिस हिरासत में लेना चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया 18 तक। मुंबई पुलिस ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि वो अर्णब गोस्वामी को जो है हिरासत में लेकर उनका बयान दर्ज करना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है, इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। अब इसी बात को लेकर सेशन कोर्ट में एक फैसला आया है। सेशन कोर्ट में जो फैसला आया है उसमें है कि अलीबाग सेशन कोर्ट ने अलाउ कर दिया है पुलिस को कि वो अर्णब गोस्वामी की पूछताछ रोज तलोजा जेल में जाकर 3 घंटे तक कर सकती है। और ये पूछताछ जो है अन्वे नाइक सुसाइड केस में, जो अबिटमेंट टू सुसाइड केस है, उसमें की जाएगी। तो मुंबई पुलिस हिरासत में लेना चाहती थी, लेकिन अब सेशन कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि नहीं, आप तलोजा जेल जाइए और वहां जाकर आप रोज जो है 3 घंटे उनसे पूछताछ कर सकते हैं। तो ये जो है एक बड़ा फैसला आया है सेशन कोर्ट में। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और अब सेशन कोर्ट ने मुंबई पुलिस को इजाजत दी है। हालांकि हिरासत में लेने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन तलोजा जेल में जाकर वो उनका बयान दर्ज कर सकती है। साल 2018 में अन्वे नाइक केस में जो है ये गिरफ्तारी की गई है। अर्णब गोस्वामी समेत 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी तो ये खबर आई थी कि आज सेशन कोर्ट में अर्णब की जमानत पर फैसला हो जाएगा। फिलहाल अभी तक इसको लेकर कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन इसको लेकर भी कुछ आता है तो हम फिल्म विंडो पर लेकर जरूर आएंगे।